भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं गंगा सागर से कोलकाता की तरफ। और ये हमारा गंगा सागर में होटल था, जो बहुत ही अच्छा होटल था। मैं आपको भी बोलूँगा, आप इसी होटल में आइएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई थी गंगा सागर में, तो बेस्ट होटल लगा हम लोग को ये गंगा सागर में। यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड किया गया था। और ये हम लोग अभी होटल को बाय बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा इस होटल में आकर। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा सागर के बस स्टैंड पर, जहाँ से हम लोग बस लेंगे एंड देन फिर हम लोग कोलकाता जाएंगे। और सुबह का टाइम था, हमने कोलकाता जाने के लिए सुबह ही अपनी जर्नी को शुरू कर दिया। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग अपने होटल से निकल गए, अब हम लोग बस पे आ गए। तो मुझे फ्रंट सीट फिर से मिला बस में, और मुझे फ्रंट सीट पे बैठना बहुत पसंद है। अर्ली मॉर्निंग आकर बस लेकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे फ्रंट सीट मिल गई थी अर्ली मॉर्निंग आकर बस में। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी व्हीकल के फ्रंट सीट पे बैठना। और अब हम लोग की बस गंगा सागर द्वीप से चल रही है, और अब मैं यहाँ पर जो ब्लॉग बनाया हूँ उसमें वॉइस मेरी इतनी अच्छी नहीं आई है, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। वेस्ट बंगाल की जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर लोग बस बहुत तेज चलाते हैं। जितना मैं दिल्ली में रहा, मैं बनारस में भी रहा हूँ, लेकिन बनारस और दिल्ली में इतना तेज़ बस नहीं चलाते, यहाँ पर बस की स्पीड बहुत रहती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट सीट पर बैठा हूँ बस के और पूरा व्यू इन्जॉय कर रहा हूँ गंगा सागर और गंगा सागर द्वीप का। और गंगा सागर की बात ही अलग है वेस्ट बंगाल में। अगर आप वेस्ट बंगाल आते हैं और गंगा सागर नहीं आते, तो मैं नहीं मानूंगा कि आपका वेस्ट बंगाल का जर्नी पूरा हुआ है। तो आप सबसे मैं बोलूंगा कि आप अगर वेस्ट बंगाल आते हैं तो गंगा सागर जरूर आइएगा, अपने लाइफ में एक बार तो गंगा सागर जरूर आइएगा। इसलिए बोलते हैं कि सब देश बार बार और गंगा सागर एक बार, तो बहुत ही अच्छा लगे यहाँ पर आकर। और आप सबसे मैं बोलूंगा कि गंगा सागर अपने लाइफ में आप सब जरूर आइए, बहुत ही अच्छा लाइफ है। हमारी बस हमें गंगा सागर के सिर्फ पॉइंट पे लाकर छोड़ दी, जहाँ से सिर्फ हमारी वेस्ट बंगाल के मेन आइलैंड पे जाएगी। गंगा सागर से जाते जाते हम गंगा सागर का मीठा नारियल पानी कैसे भूल सकते थे, इसलिए हमने पहले मीठा नारियल पानी यहाँ का पिया। और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है मॉर्निंग में नारियल पानी पीना। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई जर्नी करते हैं तो नारियल पानी पीजिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, जर्नी में बहुत हेल्प करता है और हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना सिप लेने, और हम लोग ने अपने आप टिकट लिया एंड देन फिर हम लोग अब सिप पे बोट करेंगे। तो मुझे सिपिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, बोटिंग करना। अपने परिवार के साथ गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करके मैं धन्य हो गया, और गंगा माँ का आशीर्वाद लेके मैं अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ। जय माँ गंगा। और मुझे पता था कि मेरे इस सिप जर्नी में बर्ड्स लोग आएंगे ही, इसलिए मैंने बर्ड्स के लिए दाना ले लिया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्ड्स को फीडिंग कराना। तो ये अंकल जिसे मैंने पैकेट फड़वाया, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, और मैं अब इंतज़ार करने लगा बर्ड्स लोग का कि बर्ड्स लोग आएँ और जल्दी से ये दाना लोग खाएँ। तो बर्ड्स लोग आ गए थे दाना देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्ड्स लोग का। और मॉर्निंग का टाइम था, और मॉर्निंग के टाइम में बर्ड्स लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो मैं बर्ड्स को खाना खिला रहा हूँ, मेरा तो मन ही नहीं भरा था। मैंने एक दो पैकेट तो बर्ड्स को खिला ही दिए। और ये मॉर्निंग, ये वेस्ट बंगाल का मॉर्निंग, मतलब बे ऑफ बंगाल का मॉर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारी जो सिप है ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में, जो उसको हिंदी में बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और ये हमारे सिप से जो लोग जा रहे हैं, बहुत लोग अप डाउन करते हैं, बहुत लोग मेन आइलैंड पे जॉब करते हैं एंड देन उनका घर सागर आइसलैंड पे है गंगा सागर में, तो वो डेली अप डाउन करते हैं। एंड इस सिप का प्राइस बहुत रिजनेबल है, वन आदमी का, एक पर्सन का 10 रुपीज़ ही लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हमारी जहाज चल चुकी है, अब हम लोग इस सागर द्वीप से बाहर जा रहे हैं मेन लैंड की तरफ बंगाल के। और धूप भी निकल गया है काफ़ी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने अपने सिप में ये अंकल जी को नोटिस किया कि अंकल जी 10-15 पैकेट अब तक बर्ड्स को खिला चुके थे, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये बर्ड्स की इतनी केयर करते हैं। और जब मैंने इनसे पूछा तो ये बोले कि ये डेली ऐसा करते हैं, ये हमेशा बर्ड्स को बहुत ध्यान रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब और मैंने जितने भी इस सिप पे ब्लॉग बनाए हैं, मेरा वहाँ पर वॉइस इतने अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बोट की, हमारे सिप की आवाज़ बहुत ज़्यादा का टाइम है और बहुत लोग इस सागर द्वीप से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑफिस टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरा जहाज भरा हुआ है, और पूरे वेस्ट बंगाल जो इस द्वीप पे रहते हैं वो जा रहे हैं मेन आइलैंड की तरफ। जहाज में बहुत लोग दर्शनार्थी भी हैं और बहुत लोग बिजनेस पर्पज से भी यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि इस द्वीप में जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सब जहाज से ही आता है, यहाँ
यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे देखिए पान लेके आए हैं, तो ऐसे जितने भी चीज़ें द्वीप पे जाता है, सागर द्वीप पे जाता है, तो लोग इस जहाज से ही अपना सामान लेकर आते हैं। और मतलब कि इस द्वीप में कोई भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, आपको जब भी द्वीप पे जाना होगा तो आपको जहाज का सारा जहाज लेना ही पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। आप देख पा रहे होंगे इस द्वीप से अगर कोई मेन आइलैंड पे जाता है तो यहाँ पर बिना पंछियों को दाना डाले कोई मतलब कि इस द्वीप से जाते ही नहीं है। हमने भी दाना डाला है यहाँ पे, हर कोई पंछियों को दिखे दाना डाल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़। यहाँ पर लोग पंछियों का भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, इतनी पंछियाँ हैं। और आज बहुत ज़्यादा धूप लग रही है बंगाल में, फर्स्ट टाइम मैंने इतना धूप आज मैं देख रहा हूँ बंगाल का धूप, तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, लेकिन कोई नहीं, लेकिन हवा भी बहुत अच्छी आ रही है तो अच्छा लग रहा है। और हमें लगता है कि आज यहाँ दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है, जो अभी की धूप से ऐसा लग रहा है कि हाँ दोपहर की धूप बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पर। सागर द्वीप में पान की फार्मिंग होती है, तो देखिए पान ये ले जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, पान ले जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी गंगा सागर से काकद्वीप का रास्ता बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है और बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू हमको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर नदी एक समुद्र से मिल रही है, बहुत ही अच्छा, जैसे कि पंछी भी चल रहे हैं। जो कि नाव काकद्वीप पहुँच चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा गंगा सागर से यहाँ तक का, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू हमने देखा और एक नदी को समुद्र से मिलते हुए भी देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग काकद्वीप की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे कोलकाता। हम लोग वेस्ट बंगाल के मेन लैंड पे आ गए और अब हम लोग यहाँ से कोलकाता जाने के लिए बस लेंगे। और हमने यहाँ पर वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस स्वीट ट्राई किया, संदेश हम लोग यहाँ से ले गए, तो ये शॉप थी यहाँ पर, हम लोग ने यहाँ काकद्वीप पे अभी हम लोग हैं तो हम लोग यहाँ से संदेश ले गए, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। और अभी फिर से मुझे कोलकाता जाने के लिए यहाँ से मैंने फिर से मुझे बस की फ्रंट सीट मिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लकली मुझे फ्रंट सीट मिल गया और बहुत अच्छा ही व्यू एंजॉय करके हम लोग फिर कोलकाता गए। और इस जर्नी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीनरी देखे वेस्ट बंगाल के, बस में बैठ के तो और ही अच्छा लगा मुझे, क्या बताऊँ, क्योंकि बस हाइट पे होती है और हाइट से बहुत अच्छी व्यू आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रिवर गंगा है, तो मेरे सारे प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको हर एक चीज़ें बताई हैं, अगर आप अभी तक मेरे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे हैं तो मेरे सारे प्रीवियस ब्लॉग देखिए, तब मेरे ये ब्लॉग देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने फुल इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल पर दिया हुआ है गंगा सागर का, तो मेरे चैनल पर जितने भी प्रीवियस ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोलकाता की तरफ और बहुत ही अच्छी अपनी जर्नी को एंजॉय किया हम लोगों ने, गंगा सागर तीर्थ यात्रा किया, और इसलिए बोलते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, बहुत अच्छा लगा मेरा, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा वेस्ट बंगाल में गंगा सागर में। तो आप भी अगर वेस्ट बंगाल घूमने के लिए आते हैं तो गंगा सागर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे यहाँ पर जाते हैं एक द्वीप पे जाते हैं और आप कैसे वहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है, मैं बता नहीं सकता हूँ, आप जाएंगे और जाकर वहाँ पर आप खुद एक्सपीरियंस करिए इस चीज़ का। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप वहाँ पर ज़रूर जाइए गंगा सागर में, बहुत अच्छा लगेगा, कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करिए। और अब तो मैं अपने इस ब्लॉग सीरीज़ की एंडिंग कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल की, और फिर मिलेंगे अपने एक दूसरे ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और हमारी बस अब कोलकाता पहुँच गई और बहुत ही अच्छा लगा ये खूबसूरत सफ़र करके गंगा सागर में आकर, तो और ही अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ, मुझे वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा गंगा सागर लगा। गंगा सागर में जाकर हमारी जर्नी तो पूरी इतनी अच्छी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैं आप सबको बोलूँगा कि आप अपनी लाइफ में गंगा सागर ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और अब मैं अपने इस वेस्ट बंगाल की ब्लॉग सीरीज़ को एंड कर रहा हूँ, एंड आई थैंक्स टू ऑल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल जिन्होंने हमारी इस जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया।
और बहुत ही अच्छा लगा, और मिलेंगे आपके दूसरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे ब्लॉग को करिए लाइक एंड मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ मैं श्रीधर, एंड आप सभी को मेरा प्रणाम, बाय, टाटा। और ये हावड़ा ब्रिज, तो मुझे हावड़ा ब्रिज बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं लास्ट टाइम हावड़ा ब्रिज देख रहा हूँ, और अब मैं अब जा रहा हूँ अपने घर। तो आप सभी से मैं बनारस में मिलूंगा, बाय टाटा, और हावड़ा ब्रिज को भी बाय बाय।